हर हर महादेव, जय शिव शंकर। नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नाग पंचमी की व्रत कथा। नाग पंचमी के दिन किसान की बेटी ने की नागों की पूजा। पढ़े नाग पंचमी की कथा। जैसे को तैसा एक किसान द्वारा नागिन के परिवार को जाने अनजाने में हल चलाते समय मार देने का बदला नागिन ने उसके परिवार को डस कर लिया, परंतु किसान की बेटी ने नाग पूजा कर नागिन से पाया वरदान। नाग पंचमी की व्रत कथा ये बताइए इसी में। नाग पंचमी की अब व्रत कथा शुरू। एक किसान की कथा का संदर्भ प्राप्त होता है। परिवार के मुखिया किसान ने मनमानी के बावजूद नाग पंचमी के दिन खेतों को जोतने का कार्य किया। वह हल बैल लेकर खेत पर पहुंचा, खेत जोतना शुरू किया, तभी अनहोनी जो घटित होनी थी घटित हो गई। एक नागिन के सभी बच्चे हल के फाल से काल कवलित हो गए। तभी वह नागिन आ पहुंची और क्रोध से पागल होकर उसने किसान को डस लिया, जो उसी क्षण वहीं ढेर हो गया। उसने जैसे को तैसा नीति के मुताबिक फैसला लिया कि किसान के चूंकि उसके पूरे परिवार को मार डाला, इसलिए वह भी उसके परिवार के सभी सदस्यों को मार डालेगी। किसान के घर पहुंचकर पूरे परिवार को डसने के बाद नागिन को पता चला कि किसान की एक बेटी है जो अपने ससुराल में है। उसे भी डसने के इरादे से जब वह दूसरे गांव पहुंची तो देखा कि किसान की बेटी नाग पूजा का अनुष्ठान कर रही है और धूप दीप नैवेद्य दूध से नागों की पूजा कर रही है। ये देख नागिन के मन में बदला लेने का विचार खत्म हो गया। नागिन प्रसन्न होकर लड़की के से कहा, तुम्हारी पूजा और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांग सकती हो। लड़की ने विनम्रता से कहा, मेरा परिवार निर्धन है, कृपा हमें धन समृद्धि का आशीर्वाद दीजिए तथा उसके परिवार को जीवन दान दीजिए। नागिन ने जितने भी उसके परिवार के लोगों को डसा था उनका जहर खींच कर निकाल दिया और आशीर्वाद देकर चली गई। इस प्रकार नाग पंचमी से जुड़ी कई कथाओं का संदर्भ प्राप्त होता है। सावन पंचमी तिथि को इसलिए होती है नाग देव की पूजा। नाग पंचमी की दूसरी व्रत कथा। नाग पंचमी की कथा। एक बार देवता और राक्षसों से मिलकर समुद्र मंथन किया और उस मंथन से एक दिव्य श्वेत अश्व प्रकट हुआ। इस देखकर नाग माता करदू ने अपनी सौतन भिन्नता से कहा कि यह घोड़ा सफ़ेद रंग का है और इसके बाल काले हैं। लेकिन भिन्नता करदू तो नहीं पसंद करती थी। उसने कहा, यह घोड़ा श्वेत है और नहीं लाल और नहीं ये काला है, दोनों में शर्त लग गई। तब करदू ने चाल चलते हुए अपनी सभी नाग पुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटे करके घोड़े से लिपट जाएं ताकि ये काला नजर आने लगे। करदू के कुछ पुत्रों ने बात मान ली, लेकिन कुछ ने मानने से इनकार कर दिया। तब करदू ने अपने इन पुत्रों को पांडवों के वंश में उत्पन्न होने वाले राजा जनमेजय के यज्ञ में भस्म हो जाने का शाप दे डाला। शर्त हारने के कारण भिन्नता करदू की दासी बन गई। शापित नाग तब ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे। तब उन्होंने कहा कि इस चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस साप से मुक्ति होने का रास्ता बताऊंगा। ब्रह्मा जी ने इन्हें बताया कि जब नागवंश में महात्मा जरकारु के पुत्र अगस्त ऋषि होंगे, वह आप सभी की रक्षा करेंगे। जिस दिन ब्रह्मा जी ने नागों को रक्षा का उपाय बताया था वह पंचमी तिथि थी। अगस्त ऋषि मुन के सावन की पंचमी को ही नागों को यज्ञ में जलने से बचाया और
उनके ऊपर दूध डालकर जलते हुए शरीर को शीतलता प्रदान की। तब से पंचमी तिथि नागों को प्रिय बन गई। नागों ने अगस्त ऋषि मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी मेरी पूजा करेगा उसे नाग दस का भय नहीं रहेगा। तब से पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा की जाती है और उन्हें दूध पिलाया जाता है। जय भोले की।